जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया हो। मैं आप लोग अब दोस्त एक सौ फिर दोस्त बन गया। दोस्तों आज एसएससी कांस्टेबल जीडी के बारे में जो हम लोग इतना दिन जो सॉल्व कर रहे थे 2013 साल का क्वेश्चन, 2018 में जो एसएससी कांस्टेबल जीडी आएगा उसमें जो जो बंदा हमारे साथ है वो सबको इन नैया पार होना चाहिए। इसलिए हम हर दिन जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं आप लोगों के लिए, सेम पैटर्न भाई आता है एसएससी कांस्टेबल जीडी में। और जो जो बंदा प्रैक्टिस करेगा उम्मीद है उसको सर्विस तो जरूर मिलेगा। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में भी डाल सकते हो। तो दोस्तों आज जो क्वेश्चन लेके हम बात करेंगे वो है एसएससी कांस्टेबल जीडी 2013 में जो क्वेश्चन आया था उसका चार नंबर क्वेश्चन, नंबर फोर क्वेश्चन। इसमें कुछ समीकरण दिया हुआ है और उसके ये कुछ आंसर भी किया हुआ है और सेम प्रोसेस अप्लाई करके एक क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है वो करना होगा। ये वीडियो पहले बनाते बनाते थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि फोन आ गया था, इसलिए मैं वहां से ही स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों इधर पहले बना लिया है, देखो पहले ऐसा दे दिया था 4 / 3 / 2 = 2 4 3, देन 6 / 2 / 1 = 1 6 2। आपको बताना है 5 / 1 / 2 इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों ये जानने के लिए आपको पहले जो ऑप्शन दिया हुआ था वो वाला हम लोग लिख लेंगे। पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें दिया है 251, दूसरा आंसर ऑप्शन टू में जो बी वाला ऑप्शन दिया है वो दिया है 215, दोस्तों ये चार तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है और पिछले जैसे किया हुआ है दो समीकरण में एक और दो नंबर और इससे आपको निकलना है एक स्टार वाला समीकरण, ठीक है ये वाला आपको निकलना है। अभी देख लेते हैं कैसे निकल सकते हैं। देखो यहाँ पे जो दो था ये वाला सबसे नजदीक ये दो था, उसके बाद जो चार था वो ये वाला था और बीच वाला सबसे लास्ट आ गया, ये समीकरण हो गया सेम एज। इधर भी देखो ये वाला हुआ है सबसे लास्ट वाला बीच में आ गया और सबसे बीच वाला लास्ट में आ गया, इस सेम करना है। तो अभी क्या करना पड़ेगा आपको, अभी करना पड़ेगा सबसे जो फर्स्ट था वो आपको ले आना है इधर और सबसे फर्स्ट लास्ट वाला होगा बीच में और बीच वाला रहेगा लास्ट। अभी क्या हुआ 251, 251 का आंसर क्या है दोस्तों, 251 ए वाला अल्फा वाला ए का आंसर है 251। इसका मतलब जो आंसर है निकल के आया ये कौन है, ए एक नंबर है 251, ये देख लो। और ये सेम क्वेश्चन आपके पैटर्न में आता है और आपको ए वाला करना चाहिए, ए वाला हो जाएगा तो इससे एक नंबर आपको जरूर आ जाएगा। और दोस्तों जो फ्रेंड को इस बार वैकेंसी आया और सर्विस नहीं मिला वो बंदा बहुत ही नाखुश होना चाहिए उसको, क्योंकि बहुत साल बाद 3 साल बाद शायद इस बार फॉर्म निकलेगा, कब निकलेगा कोई अभी पता नहीं है। आप कमेंट में भी बहुत सारा बंदा सेम क्वेश्चन, एक बंदा तो है एक मेरा दोस्त है हर वीडियो के पीछे लिख देते हैं सर ऐसे फॉर्म कब आएगा, प्लीज वो वाला मत करो, मैं सिर्फ तैयारी के लिए अभी शुरू कर रहा हूँ जिससे आप लोगों का ये फॉर्म आए और आपका हाथ से नहीं निकल जाए। ओके
सब खुश रहो, जय हिंद दोस्तों। और एक चीज, हमारा चैनल बहुत ही छोटा है, आप लोगों का सपोर्ट का बहुत बहुत जरूरत है, प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल वाला आइकन है वो घंटी को बजा दो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक कर दो। तो जय हिंद जय भारत, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।